और गाइस तो सबसे पहले काम ये करो कि जाके इंस्टाग्राम फीड खोलो और देखो वहां पे, वहां आपको दिखेगा कि भाई सब लोग खुश हैं, सब लोग ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, सबके पास लग्जरी गाड़ी है, कोई ट्रैवल पे जा रहा है, किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है और आपको लगेगा कि भाई हम ही नल्ले रह गए, भाई हमें ऐसी क्या कमी रह गई या हम ही इस दुनिया के सबसे उदास, सबसे अकेले, सबसे गरीब हैं जो हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े होके भी, इतने बड़े घोड़े होके भी, जो घर वाले भी ऐसा ताना देते हैं और आप ये सब सुनते हो, बट ये ऐसा सच नहीं है। Alright, to family, welcome to my channel. मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो आज बहुत ही गंभीर टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। ये काफी दिनों से मेरे माइंड में चल रहा है और मैं खुद ये प्रेशर झेल रहा हूँ, जिसके बारे में आज विस्तार में इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में न हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, वैसे लाइक अनलाइक आपके ऊपर छोड़ देते हैं, नीचे कॉमेंट करके जरूर जाना कि क्या सही है क्या गलत है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंसर जिनको आप सोशल मीडिया में देखोगे कहोगे क्या लाइफस्टाइल है, पर वो इतना डिप्रेशन एंजाइटी फील करता है, ये सब क्यों करता है? क्योंकि यही तो ट्रुथ है इस सोशल मीडिया का। तो आज हम बात करने वाले हैं फैशन एंड ब्यूटी के बारे में, मोटो व्लॉगिंग के बारे में एंड व्लॉगिंग इन्फ्लुएंसर लाइफ कह लें, और ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन के बारे में। क्योंकि बीइंग अ मोटो व्लॉगर और मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, व्लॉगर हूँ या इंस्टाग्राम में एक मोटो इन्फ्लुएंसर हूँ, तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये सच जो मैं भी फील करता हूँ ना, तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। एक इन्फ्लुएंसर होना आखिर क्या होता है, क्या बीतता है, सबसे हाई टॉप पे एलीट पे पहुँचने के बाद भी स्टार्टिंग जर्नी क्या होती है, तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको मोटो व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर बनना है, आप तो जरूर दूसरों को देख के ही इन्फ्लुएंस होते हो और खुद के अंदर से आता है कि नहीं हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे, हम 9 to 5 जॉब नहीं करेंगे, हम 2400 घंटे पैसा कमाना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो जरूर देखो। तो आज की वीडियो अगर बड़ी हो जाए तो उसके लिए थोड़ा माफ कर देना, पर सारी चीजें टू बी पॉइंट मैं आपके पास डिस्कस करने आया हूं ताकि आप लोग को भाई बता के रखूं आखिर इन्फ्लुएंसर बनने के बाद होता क्या है। तो चलो बात करते हैं ब्यूटी एंड फिटनेस के बारे में। ब्यूटी के ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि भाई हम लड़की तो है नहीं, बाकी फिटनेस के ऊपर जरूर आऊंगा क्योंकि फिटनेस तो मेरा पैशन है ही। तो जो भी ब्यूटी नीश जो है ना, जिसमें आप इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, वाह यार क्या लड़की है, वाह कितनी सुंदर दिख रही, 22 मिलियन 25 मिलियन 100 मिलियन इन्फ्लुएंसर जब वो प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं, जो वो फेकनेस रहती है, सब चीज़ स्कैम रहती है भाई, क्योंकि उनके पास तो सर्जरीज के ऑप्शंस है, वो सर्जरीज कराते हैं बॉडी पे, उनके पास क्या क्या डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है या इतने अच्छे कैमरा सेटअप है, उनके पास सारी चीज़ें हैं भाई। एक इंस्टाग्राम पिक्चर को आप देख के जो भी आप सोशल मीडिया में देखो वो रियल नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो इसी का काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जो ब्रांड्स रहती है वो प्रमोट कराती है इंस्टाग्राम की तरफ से। आप लोग सोचते हैं कि यार ये एक इन्फ्लुएंसर हमें बहुत पसंद है, ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो मतलब अच्छा ही होगा, भाई सामने वाले ने सर्जरीज कराई है और वो तुम्हें बोल रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट लगाओ, इससे आप फेयर एंड लवली लगाओ, आप गोरे हो जाओगे, आपकी स्किन ख़राब है, आप ये प्रोडक्ट लगाओ ठीक हो जाओगे। भाई अगला बंदा सर्जरी करा के बैठा है, मैं काला हूँ वो गोरा है, वो काले से गोरा हो गया, वो आपको YouTube पे ऐसी वीडियो दिख रही है, सोशल मीडिया पे दिख रही है, उसने ये प्रोडक्ट लगाया इसलिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके पीछे कितनी सारी चीज़ें होती है भाई, मतलब मैं खुद जानता हूँ, जब मैं फिटनेस में था, चलो बात किया जाए फिटनेस पे, तो फिटनेस मॉडल या फिटनेस एथलीट या फिटनेस इन्फ्लुएंसर सारी चीज़ें फेक होती हैं, क्योंकि वो जो आप उनको देखते हो वो प्रमोट करते हैं कि मैं ये एक्स वाई जी ब्रांड का सप्लीमेंट लेता हूँ, उससे मेरी बॉडी बनी है, अगर वो दूसरे ब्रांड उसको उसका डबल पैसा दे तो फिर वो उसका नाम लगा देगा। कई इन्फ्लुएंसर है जो XYZ ब्रांड प्रमोट कर रहे थे फिर एकदम से स्विच हो गए ये, फिर उसके बाद, क्योंकि देखो वो तो पूरा एंडोर्समेंट रहता है, वो तो आपको भी पता है, कई लोगों तो सबको ही पता है, कई लोगों को नहीं पता है। और उसमें सबसे ज़्यादा ये कि भाई ये स्टेरॉइड का यूज़ हो रहा है, क्योंकि भाई वो अपने शरीर को ही बेच के पैसा कमाते हैं, दिखा के ही पैसा कमाते हैं, तो भाई उनने स्टेरॉइड लिया हुआ है, वो 4 साल आपको 4 से 5 साल में हल्का बहुत डिफरेंस लगेगा बॉडी में, उनका 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। नो, मैं इसमें कोई हेट नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत है, वो एज अ एथलीट वो प्रोफेशन अलग है, बट इन्फ्लुएंसर लाइफ में सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ डालना ये बहुत ही गलत है, क्योंकि स्किन क्वालिटी जो गोरे हो रहे हैं वो ग्लूटाथोन इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिससे भाई मतलब एक तरह से स्टेरॉइड ही है, बॉडी बन रही है स्टेरॉइड लगा रहे हैं, और वो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये मेहनत कर रहे हैं ये कर रहे हैं। जितने इन्फ्लुएंसर फिटनेस या ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है ना भाई, उनने अपनी जो एक फेक इमेज बना के रख लिया भाई सोशल मीडिया में कि हम ऐसे दिखते हैं, रियल में वो वैसे नहीं है, बट सोशल मीडिया में जो उनने पोस्ट कर दी कि भाई हमारा बाइसेप इतना है,
तो वो उससे ज्यादा ही बढ़ता जाएगा, उससे कम नहीं होगा। अगर उनकी फिजिक डाउन हुई तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, नहीं तो पिक्सआर्ट से ऐसा एडिट कर देंगे और बॉडी बढ़ जाएगी। तो ये एक फेक इमेज वो हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं भाई अपने सोशल मीडिया पे। वो अगर उनकी फोटोज में कम लाइक्स आ रहे हैं ना, तो भाई उनको लगेगा कि भाई ये बहुत खराब पिक्चर है, ये ऐसी नहीं। अगर रील्स में या वीडियोज में ज्यादा व्यूज जा रहे हैं तो वो खुश हो जाएंगे। तो जो उनकी एक मतलब इन्फ्लुएंसर, या मैं खुद ही बोलूं कि मेरे ऊपर भी ये सारी चीज़ लागू होती है कि भाई जो मेरी एक ऑनलाइन इमेज है ना, मैं जैसे खुद ही इंस्टाग्राम अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो जैसा कंटेंट आ रहा है वो मेरा एक अलग ही इमेज है। कैरी मिनाटी ने भी खुद बोला था कि यार मुझे कैरी मिनाटी नहीं बनना है थोड़ी टाइम के लिए, मुझे अजय नागर बनना है। मतलब इंसान तो जब स्टार्ट करता है वो सोचता ही है कि मैं भी जब चैनल स्टार्ट किया था कि मैं कार्तिक कस्टम से चालू करता हूँ, बट अब मुझे लगता है कि यार कभी कभी मुझे कार्तिक विशाल भी बन जाना चाहिए। कार्तिक कस्टम को पकड़ के रखना ना, मतलब काफ़ी वो हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक फेक इमेज बन जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको एक इन्फ्लुएंसर निभाता चला जाता है और एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर घुसता चला जाता है। खैर चलो इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे, बट आप आए हैं मोटो व्लॉगिंग के ऊपर देखने की आखिर मोटो व्लॉगिंग क्या स्कैम है और वो किस तरह से आपको इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतना लोनलीनेस दे सकती है जिसका कोई हद नहीं है। तो अगर मोटो व्लॉगिंग इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है तो चलो कुछ थोड़ा पहले चलते हैं, पेंडेमिक के पहले। तो उस टाइम में आपको वैल्यू एडेड ज़्यादा होती थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा होती थी। मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी ये कह चुका हूँ, बट पेंडेमिक के बाद जब से ज़्यादा ट्रैफिक आया है, लोग यूट्यूब देखना चालू करें हैं, तो टिप्स एंड ट्रिक्स सबको पता चल गई कि सबको धूम धड़ाका तड़कता भड़कता मतलब एंटरटेनमेंट चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही है, रैदर देन कुछ उनको हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है मोटो व्लॉगिंग इंडस्ट्री में कि सबको नई बाइक लेनी है, सबको सुपर बाइक लेनी है, इवन मतलब सुपर बाइक इन द सेंस एक बंदा जैसे कि मैं खुद Z900 लगभग 4 साल की EMI पे लिया हूँ, लोन पे लेके लिया हूँ, और वीडियो को लगभग 2 वीडियोज़ ही बनाई, उसके बाद से कॉमेंट आने स्टार्ट हो गए नेक्स्ट बाइक कौन सी लोगे, नेक्स्ट बाइक कौन सी लोगे। इवन जो बच्चे छोटे छोटे मतलब 4th, 5th class या 6th class के भी बच्चे बोल रहे हैं कि भाई H2 कब लोगे, H2R कब लोगे, और मुझे कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें लिखा रहता है भैया मेरे घर वाले मुझे बाइक नहीं दिला रहे हैं, मैं उनसे ये मांग कर रहा हूँ, या मुझे भी आपके जैसी एक सुपर बाइक चाहिए, अब मुझे नहीं मिल रही है, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं कि मेरा क्या होगा। मतलब देख रहे हो बात इतनी गंभीर है, लोग इतना वीडियो से इंस्पायर हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको खुद की लाइफ इतनी खराब लगने लगती है, जो कि बहुत बड़ा स्कैम है जो इन्फ्लुएंसर, जो यूट्यूबर्स आज के टाइम कर रहे हैं। जैसे बात करी जाए कि एक बाइक ला रहे हैं, एक बाइक लाने से पहले ओवर हाइप बनाना, बातों को एग्जैक्यूरेट करना कि भाई बाइक आ रही है, बाइक आ रही है, बाइक आ रही है, बाइक आई, फिर उसके बाद तुरंत वो बाइक को बेच दिए या फिर आप दूसरी बाइक ले आए। तो ऐसे क्या हो रहा है कि भाई जो व्यूअर्स हैं ना, वो बड़ा सोचते हैं कि यार ये यूट्यूबर कितना सही है यार, इसको जो बोल रहे हैं वो बाइक्स ला रहा है, ये ऐसा वैसा। लेकिन जब वो रात में सो रहे जाते हैं, वो खुद सोचते हैं कि यार हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, और ये यूट्यूबर देखो ये कर रहा है, इसको बोल रहे हैं H2 ला रहा है, इसको बोल रहे हैं S1000 ला रहा है, इसको बोल रहे हैं ZX10R ला रहा है, भाई वो आ कैसे रहे। वो यही चीज़ें फेकनेस स्कैम ही तो दिखा रहा है, एक बाइक से दूसरी बाइक आपसे व्यूज़ ले रहा है और आपको इतना एंजाइटी डिप्रेशन अंधेरी अंदर फील होगा ना, उस टाइम तो बड़ा मज़ा आता है वीडियोज़ देखने में, बट जो व्यूअर्स हैं उन्हीं को समझ में आएगा। तो यही कॉमेंट्स मेरे को आते हैं, भाई बच्चे बोलते हैं H2 कब ले रहे हो, अरे भाई इतनी मेहनत लगी एक बाइक लेने में, अब तुरंत इंसान का कमेंट आ रहा है भाई H2 कब ले रहे हो, H2R कब ले रहे हो, H2R पता भी नहीं है रोड लीगल है कि नहीं, पर फिर भी कमेंट आ रहा है कि भाई H2R कब ले रहे हो। कई मोटो व्लॉगर तो भाई ऐसा है कि सामने अलग हैं और वीडियोस में अलग हैं, क्योंकि देखो यार मैं मोटो व्लॉगर खुद हूँ, मैं खुद मोटो व्लॉगर्स के साथ मिलता जुलता रहता हूँ, तो काफ़ी बड़े बड़े मोटो व्लॉगर का ये मैंने देखा है कि अपने आप को सोशल मीडिया में कूल बताने के लिए या एकदम मैं बहुत चिल हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, तो वो एक फेक इमेज रहती है, जैसे पहले आपको बताया, तो एक फेक इमेज रहती है वीडियोज़ पे कि भाई हंस रहे हैं, हा 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 हा, कोई छोटा सा भी मजाक, मतलब एकदम चिल, और लेकिन ऑफ द कैमरा उनसे मिले तो वो बहुत सीरियस
बहुत ही अलग ही इंसान हो जाते हैं और व्लॉग्स में अलग रहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में व्लॉग्स में रहता है कि क्या चीज़ कट करनी है, क्या चीज़ एडिट करनी है, क्या कैसे दिखाना है, ऑडियंस को कैसे रोकना है। जब से इंस्टाग्राम आ गया है रील्स ज़्यादा यूज़ होती है रैदर देन यूट्यूब, तो उसमें क्या है अटेंशन भी सबका बहुत कम हो गया है। पहले लोग 15-15, 20-20 मिनट की यूट्यूब वीडियो बनाते थे, अब वो भी कम हो गई है, क्योंकि रील्स में आप हर 3 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में कंटेंट चेंज कर सकते हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी चीज़ शॉर्ट ट्रिम्स के बहुत ऑप्शन है, जो चीज़ बोरिंग लग रही है वो हटा रहे हैं, तो मतलब सारी फैसिनेटिंग पार्ट आपको यूट्यूब पे दिख रहा है, जिससे भाई एक व्यूअर बहुत जज करता है, उसके माइंड में क्या क्या जाता है वो आप क्या ही समझे। अब बात कर लेते हैं भाई कारनेट के बारे में, बाइक रेंट, सुपर कार रेंट, अब तो भाई इतना आ गया है कि अगर किसी के पास KTM ड्यूक 200 है या कोई पल्सर तो मतलब भूल ही जाओ, पल्सर किसी के पास है तो उसको कोई यूट्यूबर मानेगा नहीं, मजाक उड़ाएगा। पल्सर किसी के पास है तो कोई भी उसको इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम में अगर वो रील डाल रहा है तो भाई नहीं चलेगी, ड्यूक पे वीडियोस बना रहा है नहीं चलेगी, रैदर देन आपके पास 390 हो, कॉन्टिनेंटल GT हो, तो भाई किसी के पास कॉन्टिनेंटल GT है फिर उसको स्ट्रेस होता है कि नहीं व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे सुपर बाइक लेनी पड़ेगी तब लोग देखेंगे, फिर सुपर बाइक लेता है बंदा, फिर उसके बाद लगता है यार अभी भी कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे, अब मज़ा नहीं आ रहा, फिर अब कार लेंगे, फिर कार के बाद आ जाएगा कि नहीं अब सुपर कार चाहिए, तो सुपर कार में फिर इंसान, अब आजकल इतना वो हो गया है कि भाई कारनेट करके स्पोर्ट्स कार इंडिया पे लाई जा रही है। कारनेट जिनको नहीं पता वो इसलिए रहता है, वो इंडिविजुअली या बिजनेस पर्पस पे आप दूसरी कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए मुझे अपनी कार लेके दूसरे कंट्री जाना है तो उस जगह कारनेट यूज़ होता है, तो एक तरह से वो 6 महीने 8 महीने की लीज समथिंग में कह लें कि उसमें आपको टैक्स या GST वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा या कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा। सॉरी इस बारे में अगर कुछ गलत मैं बोलूं तो नीचे कमेंट करना। तो लोग जाके दुबई से कारनेट से कार लेके आ रहे हैं, यहां 6 महीने पे मस्त चला रहे हैं, उससे कंटेंट बना रहे हैं, तो मतलब जितना वैसे तो कारनेट में वैसे ही आपको जो ऑनलाइन प्राइस है उससे कम में मिल जाती है कार, क्योंकि यूज्ड में आप ला रहे हो, यहां आप कंटेंट बनाया, आपने 6 महीने बाद गाड़ी वहां दी, जितना आपने पैसे में वहां से यहां लाई थी उतना पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग फीस जो रहती है वो आपको चार्ज करेंगे, बट उसकी जगह आपको कंटेंट के वो आपसे उतना ही पैसा कमा लिए। जैसे बहुत सारे एक नॉन यूट्यूबर हैं वो लेके आए हैं, तो उससे क्या होता है कंटेंट बनाएंगे, व्यूज जाएगा, चैनल ग्रो होगा, फिर गाड़ी वापस, अब क्या होगा फिर वो देखेंगे भाई ये तो अच्छा बिजनेस है, फिर एक और गाड़ी ला रहे हैं, फिर वही गाड़ी के वीडियोज बन रहे हैं, फिर वो गाड़ी वापस जा रही है, तो ये एक धंधा हो चुका है, ये एक बिजनेस हो चुका है, जो कि एक अलग ही फेकनेस वाली चीज है। अगर मान लो ये चीज नहीं कर रहे तो इंसान खाली बैठेगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, मतलब इतना अकेला, इतना डिप्रेशन फील होता है ना। जैसे कि अभी मुझे नहीं लेनी बाइक, मैं Z900 पे ही खुश हूँ, मैं इस पे ही कंटेंट बनाऊंगा, नहीं चलेगा। ट्रैवल वाले हैं, आपको ट्रैवल पे जाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव, मतलब इन्फ्लुएंसर लाइफ ना 2400 घंटे आपको इतना परेशान करके रख देगी ना, अगर आप इसको फुल टाइम कर रहे हैं तो। कितने ही इन्फ्लुएंसर है जिनने सुसाइड अटेम्प्ट किया, उनने लिखा है नोट पे कि कितना अकेला फील करता हूँ। शाहरुख खान खुद कहते हैं कि टॉप में आप सबसे अकेले होते हैं। इवन स्क्रिप्टेड वीडियोज़ बनाए जाते हैं भाई, पहले गलती से एक्सीडेंट वाले, क्रैश वाले, बाय चांस गोप्रो में वीडियो शूट हो गए, वो डाला तो उस पर व्यूज़ जाते हैं, तो अब इंसानों ने ये धंधा बना दिया कि स्क्रिप्टेड वीडियोज़ बनाते हैं कि भाई एक लड़की को कुछ पे करके दे दिया, वो गाड़ी लेके आई, भेड़ रही है, फिर फ्री में तमाशा हो रहा है, हंस रहे हैं, 50K का मुर्गा मार दिया, कहीं मेरी बाइक क्रैश हो गई, चोर मुझे रोक के एग्जॉस्ट बेच रहे हैं, या इंजन ऑयल लिटरली लोग ये कर रहे हैं कि अपनी सुपर बाइक गिरा रहे हैं, मस्त उसका पैनल नट बोल्ट से खोल रहे हैं, रख रहे हैं और ऊपर से ऐसे गिरा दे रहे हैं, कूलेंट खरीद के ला रहे हैं 1 लीटर और डाल दिया, और दूसरा कट जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है कि भाई यार क्रैश हो गया, यार तूने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, बहसबाजी चल रही है, सब हंस भी रहे हैं आपस में देख के, और ये वीडियो बना के थंबनेल डाल के पब्लिक कर देते हैं और लोग देख के, बच्चे लोग, बड़े लोग को तो सबको पता है स्क्रिप्टेड है, बच्चे लोग देख रहे हैं और ऐसा वैसा करके उनको मतलब टॉप मोटो व्लॉगर का नाम दे दिया जाता है, ऐसा कुछ चीज़ें चल रही है भाई, स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये भाई गलत है, क्योंकि अब वो भी कहेंगे कि भाई ये हमारा तरीका है, हमने ये धंधा खोला, हम स्मार्ट हैं, हमने ये चीज़ हैक करके निकाली है, तो इसमें आपका वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रही है, आपको पागल बनाया जा रहा है, सिर्फ पागल और कुछ नहीं। और यही चीज़ जो लोग अभी पढ़ रहे हैं या जिनने अभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो लगभग 45% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अंडर 25 ईयर्स, मतलब बेरोजगार हैं 25 साल होके भी, और वो जब ये वीडियोस ऐसे ही देखते हैं कि 18 साल का बच्चा इस
करोड़पति है या 20 साल का 22 साल का बच्चा सुपर कार सुपर बाइक खरीद रहा है तो उसके दिमाग में क्या होगा भाई। तो यही तो है कि सारी चीज़ें फेक होती हैं, कोई बाइक रेंट पे ला रहा है, कोई कैमरे में कुछ दिखा रहा है, असलियत में कुछ और है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी फैल चुकी है भाई। और इसी में बात कर लें व्लॉगर्स के ऊपर, तो अगर जब मैं भी व्लॉगिंग करता हूँ या और कोई व्लॉगर्स हैं जिनको आप देखते हैं जो आपके चाहते व्लॉगर्स हैं, वो सब चीज़ एक अपने आप को अलग ही तरीके से सोचते हैं। वो फील नहीं लेते उस मोमेंट का, वो अपने आप को समझते हैं कि हम कैमरा में कैसे लग रहे हैं या उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करते हैं, वो ये कैप्चर करने में लग जाते हैं व्यूवर्स को सारी चीज़ दिख रहा है कि नहीं वो फील। जैसे मैं खुद जाता हूँ कहीं ट्रैवल पे लद्दाख पे, जब मैं व्लॉगिंग मोटो व्लॉगिंग कंटेंट आ रहे थे मेरे, तो मैं खुद उस जगह का मज़ा नहीं ले पाता हूँ। सिर्फ कंटेंट शूट करने के चक्कर में वो मज़ा भूल जाता हूँ, क्योंकि एक जगह टेंशन ही रहता है क्या कैसा कंटेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये शूट कर लूँ वो शूट कर लूँ, घर आके एडिट करूँ और पोस्ट कर दूँ। अगर उस व्लॉग में उसको इतना अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, एंगेजमेंट रहेगी तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं आया तो भाई ट्रैवल भी पूरा बर्बाद। तो ये हो जाता है कि भाई मतलब दो अलग जिंदगियां जीता है एक इन्फ्लुएंसर। तो ये अलग ही एक अकेलापन, अलग ही एक डिस्टर्बेंस है जो आपको अकेले में समझ में आएगा। जब तक आप लोगों की भीड़ में हो वहां तो सब आपको कहेंगे भैया बिग फैन, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप अकेले हो गए ना तब आपको फील करोगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं क्या हूँ। वो आप अकेले जब रहोगे तभी आपको पता चलेगा ना, जैसे मुझे, कि भाई मैं क्या हूँ, मैंने क्या वैल्यू प्रोवाइड करी है, मेरे अंदर क्या स्किल है, मैंने क्या सच दिखाया क्या झूठ दिखाया, वो इन्फ्लुएंसर ही जानता है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आज के टाइम में हर एक चीज़ सोशल मीडिया में एक्टिव होना ज़रूरी है, चाहे किसी का म्यूज़िक आ रहा है, चाहे किसी का वीडियो आ रहा है, चाहे किसी का प्रोडक्ट आ रहा है, किसी का ब्रांड लॉन्च हो रहा है, तो उसको सोशल मीडिया में मार्केटर्स के द्वारा डिजिटल मार्केटिंग करके प्रमोट किया जाता है। चाहे रद्दी से टट्टी सॉन्ग होता है वो खुद आता है आपके पास, मुझे खुद आया है, इवन मैं 3-4 सॉन्ग प्रमोशन किया है। बिल्कुल इंस्टाग्राम में जो रील्स बनाते हैं ना तो उसमें सॉन्ग प्रमोशन भी चलता है, जिसमें मैंने भी 3-4 सॉन्ग किया है, अब मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैंने खुद उस पर इंसान एक इन्फ्लुएंसर एक वीडियो बनाता है ताकि वो वीडियो वायरल जाए, वायरल जाएगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं जो व्यूअर्स हैं वो खुद उस चीज़ पे वही हुक स्टेप करेंगे, उसी गाने को यूज़ करेंगे अपने रील में, और इससे व्यूज़ जनरेट होता जाएगा, पैसे जनरेट होते जाएंगे, ब्रांड का प्रमोशन होता जाएगा। तो इसीलिए अगर देखा जाए ऐसा म्यूज़िक में हो गया, ऐसा इस नीश में आपका पर्टिकुलर नीश में कोई बाइक का प्रोडक्ट्स हो गया, कोई सर्विस हो गया, तो सब चीज़ प्रमोट किया जाता है एज अ इन्फ्लुएंसर के द्वारा। तो इन्फ्लुएंसर जो चीज़ आपको दिखा रहा है वही एक स्कैम है, हर चीज़ पर भरोसा ना करें। तो यही था मकसद आज इस वीडियो का बनाने का, और मेरे अंदर से भी यही सारी चीज़ आ रही है कि भाई जो एक्चुअल फील होती थी, जो मेरा एक्चुअल लगता था, जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं YouTube पे डालता था, चाहे वो अग्रेसिवली बाइक चलाना हुआ, चाहे कुछ भी, मतलब अनफिल्टर्ड वो सारी चीज़ें, बट अब YouTube ने भी येलो डॉलर दे दिया तो कोई नहीं। तो इसलिए मैं बैठ के इस बारे में यही चर्चा करने आया हूँ कि आप ये फेकनेस जो आजकल फैल रही है तो प्लीज़ इस पर भरोसा ना करें, आपको लाइफ में जो करना है वो करें, और ये एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह देखें। किसी भी लोग से कंपेयर ना करें, यार मैं पतला हूँ वो मोटा है, या मैं पतला हूँ उसकी इतनी अच्छी बॉडी कैसे मर गई 6 महीने में, मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस ये वो, तो हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप प्लीज़ कंपेयर ना करें, जिससे कंपेयर करने से ही बहुत अलोन, डिप्रेशन, एंजाइटी, काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो कि बहुत ख़राब है। हर दूसरा बंदा डिप्रेशन, सबको अकेला रहना पसंद है क्योंकि अकेले में वो क्या है, सोशल मीडिया चलाएगा, अब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगा कि उसको क्या अच्छा लग रहा है वही चीज़ देखेगा, और जहां बाहर निकलने की बात आए तो भाई इंसान थक रहा है। तो वही है कि जैसे सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ भी है एक बुरी चीज़ भी है, वो कुछ नया ईजाद भी करती है और काफ़ी कुछ बर्बाद भी करती है। तो ये आपके ऊपर है, ये सभी व्यूअर्स के ऊपर है कि आपको किससे क्या क्या इंस्पिरेशन या किस किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना है, किस किस चीज़ से नहीं। तो यही आज मैंने बात करी दिल खोल के कि क्या सारी चीज़ें हैं। मोटो व्लॉगर में मोटो व्लॉगिंग कंटेंट डालो, ब्यूटी में जो आपका ब्यूटी है, पर्सनल ब्यूटी है, आप प्लीज़ कंपेयर ना करो किसी से, जो है खुद से करें। और फिटनेस में भी वही है भाई, हार्ड वर्क देखो, जो टाइमलाइन हो रही है ना कि भाई ये पतले से मोटा कैसे हो गया या मोटे से पतला कैसे हो गया, बॉडी कैसे बन गई,
वो चीज भी देखो कि उनने कितना घिसा है, कितनी मेहनत करी है, कितना नॉलेज है उस चीज के पास, उस चीज का कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस लगा है, कितना टाइम लगा है, तो ये सारी चीज भी बिल्कुल देखें। बाकी ऐसा कोई बुराई नहीं है कि आप मोटो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आपको जो करना है आप करें, पर उसको मन लगा के करें और ऐसा देख के किसी को इन्फ्लुएंस तुरंत नहीं हुए, क्योंकि काफी चीजें स्कैम है। अब मैं क्या बोलूं, सारी चीज ही स्कैम चल रही है जो भी इंटरनेट पे आ रहा है। तो इसी के साथ, आपका कोई भी लक्ष्य हो लाइफ में तो प्लीज उसके बारे में फोकस रहें, एम रखें, टारगेट सेट करें, फिर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें हर एंगल से, तब उस चीज पे जाएं, उसका फ्रंट नहीं उसका बैक भी चेक करें, सारी चीजें चेक करके कोई भी चीज करें। तो यही मुझे आपको बस बताना था कि क्या होता है असली में मोटो व्लॉगिंग, ब्यूटी, फिटनेस, ये सारी चीज क्या चल रही है, बहुत स्कैम है भाई, तो बच के रहें। मिलते हैं आप सब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।